निम्मी को अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था और निम्मी को ये नाम मिला था आन फिल्म के बाद हुई एक घटना से। दरअसल आन पहली भारतीय फिल्म थी जिसे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में भी आन का एक ग्रैंड प्रीमियर रखा गया था। उस प्रीमियर में हॉलीवुड की भी कई हस्तियों ने शिरकत की थी। निम्मी भी फिल्म की बाकी स्टारकास्ट के साथ लंदन के प्रीमियर में हिस्सा लेने पहुंची थी। लंदन में आन का अंग्रेजी वर्जन रिलीज किया गया था और उसे नाम दिया गया था सेवेज प्रिंसेज। निम्मी जी वहां हॉलीवुड और दुनिया की कई नामी गिरामी फिल्मी हस्तियों से मिली थी। उस वक्त के बहुत बड़े स्टार एरोल फ्लिन भी निम्मी से मिलने आए और उन्होंने निम्मी के हाथ को किस करने का प्रयास किया, लेकिन निम्मी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। एरोल फ्लिन इससे काफी हैरान हुए। निम्मी ने उनकी हैरानी भांपते हुए कहा कि मैं एक इंडियन गर्ल हूँ, हमारे यहाँ से सब नहीं चलता। इत्तेफाक से ये पूरा घटनाक्रम उस वक्त वहाँ मौजूद कुछ मीडिया कर्मियों ने भी देख लिया। बस फिर क्या था, अगले दिन ये घटना मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बन गई। अखबारों ने निम्मी के बारे में लिखा था, अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया, आज निम्मी जी का जन्म दिवस है। 18 फरवरी 1933 को निम्मी जी का जन्म आगरा में हुआ था। इनका असली नाम था नवाब बानो। नवाब बानो से ये निम्मी कैसे बनी, इसकी खबर आपको लगेगी निम्मी जी के जीवन की पूरी कहानी में, जिस पर कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और पूरी प्रगति पर है। प्रयास है कि जल्द से जल्द निम्मी जी की कहानी वीडियो व आलेख के माध्यम से आप सभी सिने प्रेमियों संग साझा की जाए।